हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ किरण गुप्ता एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन इन माय एग्जीक्यूटिव। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने अपने एग्जीक्यूटिव जर्नी के टाइम में बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह देखी थी, ठीक है, एंड आई कंक्लूडेड फ्यू थिंग्स। मैंने कुछ लोगों को फॉलो किया था, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी। और लाइक लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि जब मैं फाइनल में अपने आ गई प्रोफेशनल में, दैट आई हैव यू नो टेकन अ वेरी गुड डिसीजन। लाइक ये डिसीजन मेरे काफ़ी अच्छे थे, जिसका मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैंने नहीं लिया होता सो यू नो माइट भी मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, राइट। एंड वो मैंने लिया, दैट्स वाई यू नो मैं प्रोफेशनल तक आ गई। सो द नंबर वन डिसीजन है बेसिकली ज्वाइनिंग टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से ऐसा हुआ था कि आई वॉज यू नो समवन जो मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, स्पेशली इन द टैक्स, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा वीक एरिया था, बिकॉज मैंने एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद जब मेरा एक बार मैंने सेकेंड अटैम्प्ट देना स्टार्ट करा, तो आई थॉट कि कुछ तो अलग करना होगा, ठीक है। सो आई डिसाइडेड कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अराउंड 1 मंथ ही मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया था। यू वन बिलीव कि लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करने के बाद मुझे अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा। यू नो लाइक लाइब्रेरी में ना आपके पास ऑप्शन नहीं होता है ज़्यादा बुक्स वगैरह ले जाने का, सो आपको बहुत सिंगल और यू नो फोकस्ड होना पड़ता है कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके जाऊँगी एंड उसको मुझे कंप्लीट करना है। मैं पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करूँगी एंड हैव टू यू नो डू दैट। अगर आपने वो चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट नहीं किए तो ऑफकोर्स आप खाली तो नहीं बैठ सकते लाइब्रेरी में, सब पढ़ रहे होते हैं लाइब्रेरी में, तो यू विल फील लाइक नहीं कि आपको भी करना है। सो यू नो द बेस्ट डिसीजन यू नो दैट आई हैव टेकन दैट इज यू नो ज्वाइनिंग द लाइब्रेरी, जिसकी वजह से मेरे टैक्स में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। मूव टू नंबर सेकेंड डिसीजन, ये मैं अपना लाइक मेरे एक एक्सपीरियंस है बेसिकली। मैंने जे आई जेल का लेक्चर आपको पता है कि अमित वोरा सर से लिया था, एंड अमित वोरा सर ने काफ़ी लॉन्ग लेक्चर्स को एक ही लेक्चर को काफ़ी लॉन्ग तरीके से पढ़ाया था। बेसिकली उनका नॉलेजेबल लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो मैंने वैसे फॉलो कर लिया था और मैंने कंप्लीट किया था, बट मेरा ना एट दी एंड आर्बिट्रेशन रह गया था और मैंने लेक्चर्स मोबाइल में लिए थे। एक वायर कनेक्ट करना होता है, आई डोंट नो अबाउट द नेम, OTG, आई होप अगर आपको पता है तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, ठीक है, कुछ वो नेम होता है, वायर कनेक्ट करना होता है फ़ोन के थ्रू, और एक पेन ड्राइव हमें दिया जाता है। सो बेसिकली वो पेन ड्राइव मुझे दी गई थी, बट वो ना वर्क नहीं कर रहा था। तो आर्बिट्रेशन व्हाट आई डिड फॉर आर्बिट्रेशन के लिए मैंने अबर्ट सर के मैराथन देखे थे, एंड जब उनके मैंने मैराथन देखा तो मेरा एक तो चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो गया, एंड चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ और मुझे मतलब साथ साथ मुझे याद भी हो गया था, क्योंकि इट वाज मैराथन, सो सर वो चीज़ लर्न भी करवा रहे थे उसके साथ साथ। सो या इट वॉज यू नो द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव टेकन, कि मैंने स्किप कर दिया था, मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने अपने लेक्चर को छोड़ा, मैंने मैराथन पे मूव करके उसको कंप्लीट किया। मैंने सेम चीज़ फॉलो की थी अपनी लाइक सिक्योरिटीज़ के भी एग्जाम्स में, मैंने टेक ओवर पूरा छोड़ दिया था, मैंने लेक्चर से नहीं किया था टेक ओवर, मैंने अपनी जो मैराथन है शुभम शुक्लेजा सर के उससे मैंने कंप्लीट किया था। सो यू कैन ऑल्सो डू द थिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइक आपका जो अटैम्प्ट है वो बिल्कुल पास में है, यू डोंट हैव द टाइम टू यू नो रिवाइज मोर एंड मोर, सो यू कैन जस्ट स्किप यू नो योर लेक्चर और उस चीज़ को जल्दी से कवर कर सकते हैं मैराथन से, बिकॉज अल्टीमेटली ना वट हैपन कि आपको उस चीज़ को लर्न करना पड़ता है, एंड अगर आप उस चीज़ को लर्न नहीं करोगे सो वट हैपन वो अल्टीमेटली आपका वेस्ट हो जाएगा। सो या यू कैन ऑल्सो स्विच टू द मैराथन्स एंड आप छोड़ सकते हो लेक्चर को। मैं पूरे लेक्चर्स नहीं छोड़ने की बात कर रही हूँ, बट आप छोटे छोटे लाइक चैप्टर्स होते हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सो यू कैन कंप्लीट इट फ्रॉम द मैराथन इटसेल्फ, ओके, एंड आप सेल्फ भी कर सकते हो भाई। द थर्ड डिसीजन आई हैव टेकन कि जो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था उसको मुझे एटलीस्ट फर्स्ट मॉड्यूल के लिए द लास्ट अटैम्प्ट, मेरे को वो लास्ट अटैम्प्ट बनाना था, एंड इट वॉज़ द डिसीजन, इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंट कि मैं बस पास हो गई, ठीक है, इट वॉज़ अ कॉन्शियस यू नो प्रैक्टिस, कॉन्शियस एफर्ट्स दैट आई हैव टेकन टू जस्ट पास यू नो इन माई एग्जाम, और मुझे उसी पर्टिकुलर लाइक अटैम्प्ट में पास होना था। इट वॉज लाइक यू नो हार्डवर्क एफर्ट, सारी चीज़ें कंबाइन थी, एंड एक होता ना ये जो अटैम्प्ट लाइक लगना और ये सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि लैग कर जाता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, सही से डिसीजन ले रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, सो यू नो आई कैन गारंटी यू कि आपका लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट में फिर भी वो लर्निंग फेज होता है। आई कैन नॉट से कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सबका ही निकल जाता है, बट हाँ कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लाइक क्रैक कर लेते हैं एग्जाम को, एंड दे आर रियली आई अप्रिशिएट यू नो देयर एफर्ट, बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने एग्जाम को निकालने के लिए, राइट। बट अगर आपका सेकेंड अटैम्प्ट अगर होता है
तो यू नो यू कैन पास इन योर सेकेंड अटेम्प्ट अगर आप एक कॉन्शियस एफर्ट यू नो एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि आपको इसी अटेम्प्ट में पास होना है, उसके लिए आपको सब कुछ करना है. यू नो योर माइंड गोना यू नो गिव यू द आंसर कि आपको कैसे करना है. जब मैंने अपने आप से बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा एटलीस्ट फॉर फर्स्ट मॉड्यूल के लिए, तो यू नो मेरे माइंड ने खुद मुझे यू नो अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन से द वेज मुझे डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था कि ठीक है किरण तू ये कर ले, ये इसकी प्रैक्टिस कर ले, फोकस ऑन मोर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है फोकस ऑन मोर यू नो रिटेंशन की रिटेन ज़्यादा करना है. तो ऐसी चीज़ें होती हैं. सो यू विल यू नो एंड देन यू नो आई जस्ट यू नो पास एंड इवन यू नो आई शेयर अ क्विक यू नो शॉर्ट स्टोरी. इवन कि बहुत बार मेरे माइंड में ये चीज़ आया था कि इवन मेरे को मार्जिन पर भी पास होना होना तब भी मैं पास होंगी. एंड यू नो आई डोंट नो वाई बट जो भी था शायद मैं मार्जिन पे ही ऐसे था बट मेरा रिजल्ट ऑलमोस्ट मार्जिन पे ही था लेकिन मैं पास थी. सो यू नो इट वॉज अ कॉन्शियस यू नो एफर्ट फ्रॉम माई एंड एंड दैट वॉज अ डिसीजन, नॉट कि बस तुक्के से हो गया पास मैं हो गई थी उस समय. तो मूव टू द फोर्थ डिसीजन दैट आई हैव टेकन इन माई एग्जीक्यूटिव कि मैं साथ पढ़ाई के साथ साथ ना एक्सरसाइज भी करती थी. एंड आपको लग रहा होगा कि यार यार ये कैसे कनेक्टेड है, ठीक है बट या इट इज़ कनेक्टेड बिकॉज यू नो आप पूरा टाइम बैठ कर पढ़ रहे होते हो, ठीक है आप कुछ भी अपना बॉडी मूवमेंट नहीं देते हो. तो यू नो समटाइम्स आपके ना वो चीज़ें यू नो आप कुछ भी एक काम कर रहे हो एंड आप घर में रहते हो पूरे दिन क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है. कुछ लोग बहुत कम लोग होते हैं जो यू नो दे इंजॉय बोथ स्टडीज़ एंड देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. वो बाहर ट्रिप पर चले जाते हैं, ट्रिप मार के आते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं पढ़ाई. तो दे आर वेरी काम यू नो बाय यू नो देयर हेड कि उनके एटलीस्ट दिमाग पे ना कोई लाइक ज़्यादा बर्डन नहीं होता. बट यू नो आई वॉज ऑन लाइक आई वॉज समन जिस मैं जो घर में ही रहती थी, मैं ज़्यादा बाहर ट्रिप वगैरह पे नहीं जाती थी एंड ट्रिप तो बहुत दूर की बात है, मैं ऐसे कहीं वैसे भी नहीं बाहर जाती थी, ठीक है. सो मेरा बस एक लाइक मेरा था कि बस मुझे इसमें मॉड्यूल अपना ये वाला लाइक पेपर क्लियर करना है एंड देन बाकी सारी चीज़ें देख लेंगी जो बेसिकली गलत है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है. बट मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें की. मैंने जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करा, एक्सरसाइज में बहुत नॉर्मल चीज़ें थी, स्क्वाट यू कैन से थोड़े बहुत वो कर लेना और जो बहुत जनरल एक्सरसाइज होती है, बहुत जनरल जो आपको यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल है आप उनकी वीडियोस देख सकते हो. तो मैंने उनको फॉलो करके लाइक 10 से 15 मिनट्स की एक्सरसाइज का वो बनाया था जो मैं पूरे टाइम फॉलो नहीं करती थी. ये चीज़ें बीच बीच में छोड़ती भी थी, ठीक है, क्योंकि मुझे फिगर मेंटेन नहीं करना था. इट वॉज जस्ट कि बस मेरा ना थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो. एंड मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था कि जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा लाइक एक्सरसाइज वगैरह करती थी वैसे ही मेरी सिटिंग जो लाइक मेरा जो सेटिंग आर होता था ना स्टडीज़ के लिए वो इंक्रीज़ हो जाता था सडनली. एंड आई गॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़, मतलब मेरी खुद की प्रोडक्टिविटी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं यू नो मैं बस पढ़ नहीं रही, मैं उसको एफिशिएंट तरीके से पढ़ रही हूँ, मुझे चीज़ें याद रहने लग गई थी. बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड वो आपकी वेलबींग में भी आपकी हेल्प करता है. सो यू कैन ऑल्सो यू नो दैट या एक्सरसाइज एंड अपने डाइट मेंटेन करना वॉज अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ यू नो ड्यूरिंग माई एग्जीक्यूटिव डिसीजन आई हैव टेकन कि मैंने थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में मैंने मूव करना स्टार्ट कर दिया था. मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है. मैं पूजा वगैरह मैं बहुत कम करती हूँ, ठीक है, बट मुझे हाँ मैं लॉर्ड कृष्णा को बहुत ज़्यादा यू नो आई वर्शिप अ लॉट लाइक लॉर्ड कृष्णा एंड यू नो मैं हमेशा यू नो इवन अगर मुझे ऐसा टाइम मिलता है तो आई कैन लाइक आई चांट यू नो द हरे कृष्णा ऐसे वाला. तो यू नो मुझे ऐसा अच्छा लगता है यू नो लाइक सेल्फ टॉक करना, मुझे ऐसा फील होता है दैट यू नो देर इज़ अ इनर यू नो लाइक अ वॉइस इन मी जो मेरे से बात कर रही है. तो ये चीज़ें भी मैंने स्टार्ट की. तो जब मैं एग्जीक्यूटिव में मूव हुई थी तो मैंने लाइक पूजा वगैरह भी करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है. आजकल बहुत ट्रेंड में है कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, ये ऐसी चीज़ें करो, पॉजिटिव रहो यू कैन से. बट मतलब बी ऑनेस्ट, जो हमारा कल्चर है शायद हमें उसको फॉलो करना चाहिए. आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपको लाइक आपको उससे जुड़े रहना चाहिए, ठीक है. तो मैंने पर्सनली ये करना स्टार्ट करा था. मेरे से मेडिटेशन नहीं होती है, बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, मेरे से मेडिटेशन नहीं होती है. आई ट्राइड अ लॉट, मैंने छोड़ दिया मेडिटेशन करना, मेरे से नहीं होता था मेडिटेशन. बट आई स्टार्टेड मैं थोड़ा सा पूजा वगैरह करना स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होना स्टार्ट हुआ. यू नो मुझे ऐसा फील होता था कि येस देर इज़ अ श्योरिटी कि जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ ना वो वर्थफुल होगी. इट्स नॉट अबाउट कि पास ही होना है लाइफ में, राइट, कि एग्ज़ाम में पर्टिकुलर पास होना है. जो भी चीज़ को आप करते हो ना उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ना तो आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा. अभी नहीं मिल रहा, सूनर एंड लेटर मतलब यू विल फाइंड द रिवॉर्ड, ओके. तो एक मेरे माइंड में भी वो चीज़ थी कि ठीक है मुझे मिलेगा उस चीज़ का. अगर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ आई विल गेट अ गुड रिजल्ट, इफ़ आई एम यू नो गोइंग फॉर इंटरव्यू आई विल सेलेक्ट, ठीक है.
इफ आई एम यू नो आस्किंग फॉर अ गुड सैलरी आई विल गेट. सो ऐसी चीजें होती हैं व्हेन यू विल यू नो स्टार्ट वर्शिपिंग. तो या यू कैन ऑल्सो फॉलो. तो अगर मैं अभी इस वीडियो में अगर यू नो अगर उसको सब्स्यूम करूँ तो यू नो और मैं लाइक एक समरी दूँ तो इट विल बी लाइक कि यू नो मोर एंड मोर रिविजन्स करना, मॉड्यूल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना. ठीक है, 100% मैं सिलेबस को कवर करके गई थी. नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर आया मैंने छोड़ा, बिल्कुल एक सिंगल चैप्टर भी नहीं छोड़ा था मैंने. ठीक है, एंड मॉड्यूल्स वगैरह मैंने कर लिए थे. अगर कोई मैनुअल लाइक स्कैनर वगैरह है, फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने स्कैनर किया था तो स्कैनर तक मैंने कर लिया था, वहाँ से भी चीज़ें देख ली थी मैंने. सो बेसिकली छोटे छोटे डिसीजंस थे लाइक अपनी मॉर्निंग में जल्दी उठना, लाइक जल्दी उठ के पढ़ना. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए सो यू कैन यू नो जस्ट लाइक कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ लाइक जस्ट टेल मी हाउ यू लाइक दिस वीडियो. इट विल यू नो मोटिवेट मी. सो बाय, टेक केयर, बाय.